का अपना YouTube चैनल पे प्रॉपर्टी वाले लाला जी पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सर आज दोस्तों मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी, जितनी भी मेरी लोकेशन है, सब लोकेशनों के बारे में तो नहीं लेकिन चार पांच लोकेशन के बारे में आपको आज मैं बताऊँगी कि मेरी जो लोकेशन में वहाँ पे क्या क्या डेवलप हुआ है और क्या क्या वहाँ के नियर अबाउट की फेमस चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या कंपनी ने वहाँ पर दिया है और क्या क्या ऑलरेडी वहाँ पर बनी हुई है, क्या क्या रेडी है, क्या क्या मतलब वहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट मिल सकती है और क्या मतलब क्या कैसा लोकेशन है जो हमने सेल किए हुए हैं और जो अभी भी सेल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ वहाँ पे प्लॉटें हैं जो हम अभी सेल कर रहे हैं, आप लोग आके देख सकते हैं, ले सकते हैं। और क्या रेट है वहाँ का, कौन सी साइट का क्या रेट है, सबसे पहली मेरी साइट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ये सब साइटों के बारे में आपको बताती हुई अपनी चार पाँच लोकेशन में बताती हुई लेके चलूँगी आपको। और आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पे हम लोगों ने, इस कंपनी ने, ये राधा कृष्णा डेवलपर्स की हमारी जो कंपनी है राधे कृष्णा, इसने क्या मतलब वहाँ पे कराया है, क्या करके दिया है और क्या क्या बेनिफिट है। जो हमारे कस्टमर ले चुके हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको भी पता चलेगा हाँ आज हमने जहाँ जहाँ ले रखा है वहाँ हमें क्या आज इस वीडियो में सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। और जो लेना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो हमसे ले चुके हैं जो कस्टमर, उनके लिए ये बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है उनको आज इस वीडियो में लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं लेके चलती हूँ मैं आपको अपने ऑफिस के बारे में। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा ऑफिस बदरपुर बॉर्डर पे है, मेन मथुरा रोड पे ही है आपका। ये लाल कलर की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे बैसला कॉम्प्लेक्स के नाम से राधे कृष्णा डेवलपर्स हमारी कंपनी का नाम है। बदरपुर मेट्रो स्टेशन से आपका 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पिलर नंबर 53 के एकदम अपोजिट में सामने है। तो आप हमारे इस ऑफिस में आ सकते हैं, फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा, आप इस पे कॉल करके आ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट वाले साइट पे। मेरी जो फर्स्ट साइट है वो है सीकरी। सीकरी मेन मथुरा रोड पे ही है आपका, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कई सारे वहाँ पे दोस्तों आप जो आप लोगों ने लिया हुआ, जिन लोगों को उन लोगों के लिए ये मैसेज है, वहाँ पे जब आप लोगों ने लिया था तो कुछ ही घर बने थे, अब वहाँ पे बहुत सारे घर बन चुके हैं, काफी सारे घर बन चुके हैं, काफी सारी बाउंड्री हो रखी है, वहाँ पे मीटर लगी हुई है, सब घरों में लग चुकी है, पानी की फैसिलिटीज हो गई है। अब आप आके खुद से देख सकते हैं कि हाँ जी अब आपको और क्या क्या बेनिफिट मिली है। रोड कंप्लीट हो चुका है, रोड कंप्लीट क्लियर हो गया है वहाँ पे। और आके देख सकते हैं सीकरी का, तो आप सब जानते ही हैं कि पूरी बसावट के बीच का है ये हमारा लोकेशन। पास में ही आपका मैरिज होम है, एकदम चार पांच मैरिज होम है पास में ही, हॉस्पिटल है बिल्कुल पास में ही आपका, आपका स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, आपका प्राइवेट स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी आपके सरकारी हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे सीकरी के पास में। मेरा मेन मथुरा रोड से मात्र 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है रोड जो हमने दे रखा है, जो हमने मेन रोड अपनी साइड पे दे रखा है वो है आपका 50 फीट का मेन रोड है, 50 फीट के 2 मेन रोड है और आपका 65 फीट का फिर रोड है, फिर पार्क है, 3-4 पार्क है वहाँ पे आपका। और वहाँ पे जो गलियाँ दे रखी है वो हमने 20 फीट का, 22 फीट का, 18 फीट का, इस तरीके से हमने गलियाँ दे रखी है वहाँ पे और पूरी बसावट हो रखी है। अब आइए लेके चलती हूँ अपने सेकंड वाले साइड पे मांडकोल। मांडकोल हमारा लोकेशन, ये हमारी जो लोकेशन है यहाँ पे सर, जब आपने लिया था तब वहाँ पे भी कुछ ही मकान बने हुए थे, बसावट तो ऑलरेडी थी वहाँ पे सारे चारों तरफ कुछ ही मकान बने, तो अब वहाँ पे कई सारे मकान बन चुके हैं, वहाँ पे काफी सारी वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। अब लेके चलती हूँ सर जी मैं अपनी तीसरी साइड पे, थोड़ी सी दूर पे ही है वहाँ से, ज्यादा दूर नहीं, त्रिथला। त्रिथला एक इंडस्ट्री एरिया है, आपने जैसा ओखला इंडस्ट्री एरिया देखा ही सुना होगा, वो है आपका सेक्टर 3 और ये है हमारा सेक्टर 13, यानी कि काफी बड़ी कॉलोनी है, काफी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी वहाँ पे डेवलप है, काफी सारा वहाँ पे कंपनियां ऑलरेडी बनी हुई है, चालू है कंपनियां, लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं किराए पे लेके या अपना मकान लेके या किसी के पास में रह के, वहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे लोग मकान सर्च कर रहे हैं, प्लॉट सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए और इस वीडियो के साथ में हमारे मकान और प्लॉट के बारे में देखिएगा। वहाँ पे भी बिजली आपकी आई हुई है, पानी आपका आया हुआ है और लोग वहाँ पे बना के रह रहे हैं, काफ़ी डेवलप है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये बेनिफिट है आपको सबसे ज़्यादा कि वहाँ पे डेवलप हो चुका है।
अब मैं लेके चलती हूँ आपका हमारा एक ग्रेटर नोएडा में जो साइट है वो है ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी में मैं आपको लेके चलती हूँ। ग्रीन सिटी हमारा सबसे सस्ता साइट है, मात्र 4,500 रुपये पर गज की ये साइट है, जिसमें एक साल का समय है। आपका सेक्टर 149 के बिल्कुल अपोजिट में है, FNG हाईवे से एकदम लगती हुई मेरी साइट है, बिल्कुल FNG हाईवे मेरी साइट से होती हुई जा रही है। तो ये बेनिफिट है आपको कि ग्रेटर नोएडा में एक तो सस्ती ज़मीन 4,500 रुपये पर गज, टाइमिंग आपको एक साल का मिलेगा, बसावट वाला एरिया है, FNG हाईवे बिल्कुल टच में ही है, एकदम निकलती हुई है साइट से हमारी। ये हमारी ग्रीन सिटी की साइट है, आप आइए प्लीज़ इसको देखिए और इन्वेस्ट करिए, चाहे बना के रहिए, ये आपकी इच्छा है। ये हमारी साइट देख सकते हैं, सबसे सस्ती साइट है। अब मैं लेके चलती हूँ आपका अपनी जेवर एयरपोर्ट के पास में, जो हमारा साइट है जेवर एयरपोर्ट। सर आप दुनिया काफ़ी लोग जानते हैं कि फेमस है जेवर एयरपोर्ट, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। जेवर एयरपोर्ट मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, फिल्म सिटी के आसपास में ही है, आपका FNG हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, परी चौक से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे हॉस्पिटल अस्पताल है आपका, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी सारी बेनिफिट है वहाँ पे काफ़ी सारी। अब जेवर एयरपोर्ट भी आपका ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एकदम पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है वो भी। तो ये सारी बेनिफिट है हमारी, जितनी भी हमारी ये चारों पाँचों लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारे लोकेशनों के बारे में। अभी तो मैं आपको कुछ ही साइटों के बारे में बताई हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर बताऊँगी तो सर ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग शायद इग्नोर कर दें या देखें जो भी। तो आप ये देखिए पहले ये साइट को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो नया प्रोजेक्ट लेके आऊँगी या नया मकान लेके आऊँगी या नया प्लॉट लेके आऊँगी तो ज़रूर, या नया फ्लैट लेके आऊँ या जो भी हमारे पास में, आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी अपने लोकेशन या अपनी साइट और प्लॉट के बारे में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सर जी, एक तो आप मुझे प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो मुस्कान सिंह की वीडियो ये आपको कैसी लगी, और हमारा लोकेशन आपको कैसा लगा, क्या बेनिफिट आपको समझ में आया नीला आया, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी साइट की क्या जो बेनिफिट बताई है, क्या ये अच्छी हुई या और भी कुछ आप चाहते हैं कि वहाँ पे हम और भी अपनी साइट पर कुछ कराना चाहें, आप ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ 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 सर जी मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।